एक्चुअली यार मीस चल रहा था ऑप्शनल का बहुत बड़ा बेट था मेरे पिछले एक साल मैंने बहुत सारे बच्चे इस बार मीस में भी थे तो आई वॉन्टेड टू गिव द मैगजिम टाइम स्पेंड टू दैम एंड आई वॉज माई सेल्फ नॉट श्योर की एग्जैक्टली सीरीज मैं वापिस से रिस्टार्ट करूंगा या फिर इसको मैं कब चालू करूंगा तो दैट्स आई डिड नॉट इवन रिप्लाई टू योर पर्सनल मैसेज तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट इसको रिस्टार्ट कर लेते अभी के लिए सिंस दिस सीरीज इज समथिंग दट आई एम रिस्टार्टिंग नॉट बिकॉज ऑफ द बेसिकलीफ यूर गाली टू बी ऑनस्ट तो बहुत सारी गालियाँ पड़ चुकी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में भी आफ्टर पे भी तो इसको थोड़ा सा किक स्टार्ट कर लेते हैं, so anxious, तो इसको किक स्टार्ट कर लेते हैं अभी डेली बेसिस पेट टू टेन आवर्स के पेड़ लेक्चर्स में ही सारा टाइम जा रहा है तो वॉट वी आर गोइंगली ऑफ रफली फोर्टी फाइव मिनट टू वन आवर ऑन वीकली तीन से चार वीडियोज पंद्रह से बीस अक्टूबर के बीच में एंड आफ्टर अक्टूबर के एंड में कंटिन्यूसली चार पाँच दिन जो है वो तो थोड़े से लीनियन टाइम पीरियड के टी दिन हैं तो तब बेसिकली वॉट आई डूज दैट कि थोड़ा सा मैराथन सेशन खींचूंगा मैं चार पाँच चार पाँच घंटे का एंड विल ट्राई टू रैप दिस पर्टिकुलर सीरीज अप बाई द एंड ऑफ दी अक्टोबर बट आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी कि बाई एंड ऑफ अक्टूबर हो ही जाएगा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बेसिकली रैप इट अप थोड़ा सा दिन में एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आई कैन बेसिकली डू दैट बट अगेन नो गारंटी ऑफ दैट तो मोस्ट जो है इन ओपिनियन की अक्टूबर के एंड तक तो आई विल बी ट्राइंग टू फिनिशिंग इट अप बट अगर नहीं होता है तो फिर नवंबर के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक एटलीस्ट दिवाली तक तो इसको खत्म कर ही दूंगा मैं दैट इज बिफोर नाइन टू टेंथ नवंबर तो नाइन टेंथ नवंबर के पहले तो इसको खत्म कर लेते हैं आफ्टर बेसिकली आई विल बी मूविंग ऑन टू द मीडियावल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया का पी वाई क्यू अभी के लिए आई रियली एम अपोलोजाइजिंग टू यू की थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है

If you remember, अभी तक हम लोगों ने इसका बेसिक एस्पेक्ट जोर अप करके रखा हुआ शिवाजीब शिवाजी का जो मिलिट्री अफेयर था वो भी हम लोगों ने देख लिया था दखन हाउ इट रूड और असर, ruined, हमने वो भी देख लिया पेश्वाश्य। पेश्वाश्य। पेश्वाश्य की भी हमने देखी हुई थी कैसे

वॉज छत्रपति शाहू महाराज तो so, शाहू महाराज वॉज बेसिकली मराठा एम्पेर फ्रॉम सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवन से लेकर हमने इनके ऊपर भी एक चीज कवर अप करके रखी थी कि कैसे सिविल वॉर हुआ था इन बिटवीन शाहू महाराज एंड ताराबाई एंड हाउ ताराबाई वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड और शी वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट डिफीट एंड शाहड कैप्चर सेवन एंड ऑन हिस ही

कुछ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इनके नाम पर है जैसे मालवा बुंदेलखंड वाला एरिया जो हमने पहले ही देखा था कि बाजीराव के टाइम पीरियड पर मराठा कैप्चर करके रखा था आफ्टर बैटल ऑफ भोपाल हमने देखा हुआ था कि मालवा का ये जो है दैट दैट इज इज सर दिस वन बेसिकली मराठास के अंदर आ चुका था एंड मालवा के साथ साथ फिर बुंदेलखंड वाले एरिया में भी मराठाज इंटरफियड एंड बुंदेलखंड भी मराठा ने ला 1731 के अराउंड अपने लाके ही रखा हुआ था तो बुंदेलखंड एंड मालवा में लोकल लेवल पे रिवॉर्ट हो रहे थे ये दोनों रिवॉर्ट अपने सबसाइड करके इसको अपने अंदर लाने का काम दर आफ्टर फिर 1748 में अनादर ग्रेट इवेंट अकॉर्ड

आफ्टर हिज डेथ हम लोगों ने वो वाला एस्पेक्ट भी कवर अप करके रखा था कि हाउ आफ्टर क्लाइव द इंटरनल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हैदराबाद एंड हैदराबाद में फिर मुजफ्फर जंग सालाबाद जंग एंड उनके पहले नासिर जंग इनका पॉलिटिक्स भी जितना हम लोगों को कवर अप करना था ऊपर ऊपर से ही वो हमने कवर अप किया था बट ऑब्वियसली आफ्टर द डेथ ऑफ असफ जहा मराठाज के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी थी टू कैप्चर सर्टन टेरेटरीज ऑफ द हैदराबाद एंड मराठाज ने ये भी करके रखा हुआ था हैदराबाद की सर्टन टेरेटरीज मतलब थोड़ा सा ईस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ वाला एरिया अहमदनगर दौलताबाद बुरहानपुर जो बेसिकली मध्य प्रदेश वाला एरिया बट काफी इंपॉर्टेंट है आपने अगर मिडियल इंडिया की सीरीज की होगी तो उसमें हमने शेर शाह सूरी एंडरफ्ट और औरंगजेब ने जो ट्रेड रूट बनाए थे वो डिस्कस किए थे और उसमें हमने देखा था कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो तक्षशिला से लेके सुनारगा और ढाका तक एंड आफ्टर इसके बीच में आगरा आगरा से नीचे बुरहानपुर एंड बुरहानपुर से कनेक्टिविटी कहाँ पे आती थी तो दौलताबाद एंड आफ्टर भरूच तो बुरहानपुर वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग टाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम ये भी मराठाज ने कैप्चर करके रखा हुआ था एंड एंडर फिर बीजापुर बीजापुर टाउन इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट एक जमाने की बीजापुर डायनेस्टी ही हुआ कर किया करती थी उनका एक कैपिटल टाउन हुआ करता था जो नॉर्थन कर्नाटका में आता है तो मल्टीपल इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन कैपिटल टाउन और यू कैन से टाउन ऑफ सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम कैप्चर्ड बाय बालाजी बाजीराव ड्यूरिंग सेवनटीन फोर्टी एट

हम लोगों को जो डेथ टोल दिखाई देता है वो सेवन एटी थाउजेंड का दिखाई देता है एंड आफ्टर बैटल फील्ड एक लास्ट स्केल मैसेकर हुआ था दैट्स लाइक एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम एक दफ एस्टिमेट हिस्टोरियन टू लैक लैक के बीच में एक डेथ टोल जो है ये में में हुआ था ऑप्शनल हमको बैटल फील्ड बहुत इलेबोरेटली पढ़ना पड़ता है उतने इलेबोरेटली तो मैं आपको नहीं जाऊंगा बट आई गिव एलग सर्टन पॉइंट कि तो अगर यहाँ से अगर कोई सवाल आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर हम ये भी देखेंगे

ये दोनों अल्टीमेटली बैटल फील्ड में डिफीटेड पावर ही थी मराठास था उसको सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था बट अब्दाली का डैमेज कोई कम नहीं था जिसके ऊपर बात जो जो हम लोगों को करनी तो so कि पानीपत पानीपत हुआ क्या third battle of का अगर इट ऑल स्टार्टेड इन सेवन 1757 सेवनटीन हंड्रेड एंड के जनवरी में हम लोगों को दिखाई देता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है एंड इंडिया को इन्वेट करने के बाद उसने बेसिकली इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाले एरियाज है दैट इज मुल्तान एंडर आफ्टर लाहौर वाला एरिया ये मुल्तान एंड लाहौर वाला एरिया अनेक्स कर लिया अनेक्स करने के बाद इसका जो चीफ है दैट इज सूबेदार वाला जो पोजिशन है गवर्नर वाला पोजिशन अपने बेटे को दे रखा था तैमूर अली खान या फिर तैमूर शाह अब्दाली इसका नाम है बट ये तैमुर शाह अब्दाली के अंडर जैसे ही ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया इंडिया का आ गया एंड इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था जनवरी में इन्वेजन हुआ इनवेजन होके नॉर्थ इंडिया में लूटपाट अब्दाली ने मचाई वापस चला गया एंड वापस जाते जाते मुल्तान लाहौर वाले एरिया में अपने बेटे को बिठा के चला गया ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर वो चाहे तो वो इन्वेजन कर सकता है बट इन ऑर्डर टू बेसिकली एवेंज दिस पर्टिकुलर थिंग मराठास जो है बेसिकली बैटल में उतरते हुए दिखाई दिए है

तो वो दिल्ली पे भी हुआ था एंड दिल्ली पे जैसे इन्वेजन हुआ ये इमाद उद्दुल्ला दिल्ली से भाग गया एंड दिल्ली से भाग जाने के बाद अल्टीमेटली मराठास का जो कंट्रोल है दिल्ली के ऊपर वो वीक हो गया एंड दैट्स फाइनली मराठा डिसाइडेड कि वी वी नीड नीड टू टू एंटर एंटर इनटू दिस अरेना इनटू दिस पर्टिकुलर मैटर अदरवाइज दिल्ली अपने हाथ से चली जाएगा और हमने पहले ही देखा हुआ है कि बाजीराव द ग्रेट जिसने सेवनटीन थर्टी सेवन में दिल्ली के ऊपर इन्वेजन करके रखा था तभी से मराठास का जो स्ट्रैंगल होल्ड दिल्ली के ऊपर था एंड मराठा वज ऑफ दी ओपिनियन कि दिल्ली को अनेक्स नहीं करेंगे दिल्ली को सबसर्वियन बना के रखेंगे बट ऑब्वियसली अगर दिल्ली सबसर्वियन नहीं रहती है या फिर दिल्ली किसी और के अंडर चली जाती है तो इट इज़ अ पोलिटिकल ब्लो और ब्लो टू द पोलिटिकल प्रस्टीज ऑफ मराठाज एंड फॉर दैट परपज अल्टीमेटली जैन सेवनटीन फिफ्टी सेवन में अब्दाली इंडिया में आया इंडिया में आके अल्टीमेटली मार्च तक चला भी गया बट सेवनटीन फिफ्टी सेवन के मार्च में फाइनली रघुनाथ दादा के अंडर या फिर रघुनाथ के अंडर जो है बेसिकली एक एक्सपीडिशन भेजा गया था नॉर्थ में एंड ये रघुनाथ के एक्सपिडिशन जो है काफी सिग्निफिकेंट है नाउ रघुनाथ जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिसनोमर मार्केट में है ऐसा बोला जाता है कि ये वही रघुनाथ है जिन्होंने लेटर ऑन मराठाज में सिविल वॉर भी कॉज किया पर ऐसा कोई लेना देना है नहीं ये रघुनाथ जो है बेसिकली अलग है रघुनाथ दादा जो है बेसिकली ये वाले ये रघुनाथ दादा भोसले है जबकि जो बाद में आने वाले रघुनाथ जो है वो पेशवास के कजिन भाई है तो इसको थोड़ा सा ब्रिफ ने अपने दिमाग में डाल के रखना रघुनाथ भोसले थे रुक जाना चाहिए था बट अनिलीप फॉरवर्ड एंड एंटर्ड इन टू दुल्तान लाहौर मुल्तान लाहौर में आने के बाद रघुनाथ ने फिर तैमूर को एक क्रशिंग ब्लू भी दिया हरा भी दिया एंड तैमूर फिर टू द काबुल कंधार जहाँ पे अहमद शाह अब्दाली बैठा हुआ था अहमद शाह अब्दाली की कैपिटल जो काबुल थी तो काबुल में बैठा हुआ था अब्दाली तैमूर अली खान को अल्टीमेटली भागना पड़ा तैमूर शाह को भागना पड़ा एंड तैमूर जैसे ही भाग गया तो इट वॉज अ पोलिटिकल प्रेस्टीज ब्लो फॉर द अहमद शाह अब्दाली नाव अहमद शाह अब्दाली फिर करेगा क्या अपना बेटा हार गया, गया है तो इट हैज बी एवेंज एंड एवेंज करने के लिए फाइनली हमको दिखाई देता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है नीचे वापस उतरा एंड अहमद शाह अब्दाली अब सिग्निफिकली अब में, में, तो में मराठाज ने अपना ही मिलिट्री कमांडर बिठा के रखा था नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट अगर आपको याद रखना है तो ही रखोगे दत्ताजी शिंदे शिंदे इज बेसिकली सिंधिया इट इज अ मराठी नेम आप इसको शिंदे भी लिख सकते हो लेटर ऑन बिकेम सिंधिया ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन बट दत्ताजी सिंधिया जो है अटैक किया एंड दत्ताजी को मार दिया दत्ताजी मराठास मराठास में दत्ताजी को बहुत मानने वाले लोग थे एंड इन दैट कपैसिटी ऑफ पेशवास के ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ना चालू हुआ कि यू हैव टू डू समीमेटली वी नीड टू एंड दिस पर्टिकुलर मीनेस और वी है एंड यही दत्ता जी का मीनास लेने के चक्कर में फाइनली मराठाज ने रिस्पॉन्स किया नेवर टेकन अप दिस पर्टिकुलर बैटल फील्ड सो सीरियसली या फिर इनको कभी अपनी जिंदगी में उस टाइम पे नहीं लगा था ये बैटल फील्ड इतना बड़ा होगा एंड ये बैटल फील्ड में अल्टीमेटली सब कुछ जो है मराठास के लिए खत्म होगा इट स्टार्टेड विद नॉर्मल इशू ऑफ पंजाब कि मुल्तान लाहौर वाले एरिया में तैमूर के साथ जो उसका बदलाने के लिए अब्दाली आया अब्दाली ने दत्ताजी को मारा दत्ता जी का बदलाने के लिए अब मराठाज वहां पे जा रहे थे

जिसकी इंफॉर्मेशन हमको देखे रखी है काशीराज काशी राज पंडित नहीं ये ऑफ पानीपत ऑन द साइड ऑफ अहमद शाह अब्दाली तो उन्होंने अपने अकाउंट में एक हैवी क्रिटिसिज्म रखा है कि इतना बड़ा वॉरफेयर हो रहा था या फिर होने वाला था पहले तो आपको पता होना चाहिए था एंड अगर पता हो, होने होना चाहिए था वो अगर नहीं है तो भी अल्टीमेटली इट वॉज योर रिस्पांसिबिलिटी टू कम टू नॉट डायरेक्टली अगर बालाजी बाजीराव भी वॉरफेयर में आते तो मराठा नहीं अल्टीमेटली तो पूरी आर्मी जो है अपने बेटे के कमांड में के रखी थी बेटे का नाम जो था विश्वास राव था बट एक्चुअल में माइनर सत्रह साल का ही था एंड बेटे के कमांड में देने के बाद साथ साथ उन्होंने जो नॉमिनल कमांड है वो सदाशिवराव भाव को देके रखी थी नॉमिनल कमांड सदाशिवराव भाव को देके रखी थी मतलब भाव भाव को फिर ये लिया गया था कि बदला लो दत्ताजी का एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली जो आर्मी गैदर हुई थी इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसमें पेशवा का बेटा भी था एंड आफ्टर पेशवा का भाई भी था अल्टीमेटली इसी चक्कर में वाइटल में गड़बड़ भी होने वाली है जिसकी लेटर ऑन बात करेंगे रफली फोर्टी फाइव टू सिक्सटी थाउजेंड की आर्मी जो है इसमें अवेलेबल थी फोर्टी फाइव टू सिक्स की आर्मी जो मराठाज ने गैदर की थी उसमें एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट मराठाज ने क्या करके रखा था कि ऑलमोस्ट टू लैख लोग जो है इन्होंने बेसिकली वॉरफेयर आर्मी के साथ भेजे रखे थे एक्चुअल में जो कंटेम्प्री सोर्सेस है उसमें हमको वही पता चलता है कि दिस इज अ वेरी सैड डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ इंडिया जो मैंने आपको पहले भी बता के रखी थी पहले भी हाईलाइट करके रखी थी इंडिया में जो पॉलिटिकल लकीरें खींची गई है आफ्टर जो ऑफ इंडिया का हो चुका है उसका जैसा मल्टीपल किंगडम अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया आ चुके हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन पर्टिकुलर किंगडम इन टू अदर किंगडम एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली अगर मराठा आर्मी वो भी पेशवा की आर्मी जो ब्राह्मणिकल आर्मी है अगर नॉर्थ जा रही है तो इनके साथ जो है हम लोग नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस टूर कर सकते हैं ये साइकोलॉजी से कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द मराठी सोसाइटी इनको ज्वाइन हो गया कि चलो एटलीस्ट जान की बाजी तो लग सकती है बट पेशवा की आर्मी मतलब सिग्निफिकेंट आर्मी है एंड पिलग्रीमेज भी हो जाएगा

एक बेसिकली हिंदू बंदा जो साउथ इंडिया में बैठा हुआ है दखन में बैठा हुआ है, did not have to his काशी हो सकता है बद्रीनाथ हो सकता है, है एक्सेट्रा इनफैक्ट ये बैटल पानीपत में उसका रीजन ही वो है कि पानीपत को लग के ही अल्टीमेटली कुरुक्षेत्र है और वहां पे के लिए ये लोग बैठे हुए थे तभी अब ने इनको पकड़ लिया दिस बैटल पानीपत तो अल्टीमेटली सारे कॉजेज थोड़ा सा ध्यान में रखना है एंड इसमें अल्टीमेटली जैसे ही आर्मी नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी तो नॉर्थ की तरफ बढ़ने के टाइम पे ही मराठाज ने बहुत सारे एलाइज जमाने की कोशिश तो की बट नॉट इवन अ सिंगल किंग ऑफ द नॉर्थ इंडिया या फिर नॉट इवन अ सिंगल हिंदू किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया मराठाज के हेल्प के लिए गया ये भी एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि मराठास ने बेसिकली अपनी रेड में चालू करके रखी थी अब सेवनटीन आ चुका था द ग्रेट बाजीराव उन्हीं के अंडर हमने देखा था एंड मराठास में हम लोगों ने ये चीज़ काफ़ी इलाबोरेटली शिवाजी महाराज के अंडर से ही देखी थी कि मराठा स्टेट फंक्शन में रेवेन्यू के नाम पे बस लूटपाट होती है इन द सेंस मराठास क्या करेंगे अपने एरिया के बाजू वाले एरिया में जाएंगे और वहाँ से चौथ वसूलने की कोशिश करेंगे एंड इसका ब्रंट मालवा पे भी पड़ा है बुंदेलखंड पे भी पड़ा हुआ है गुजरात पे भी पड़ा हुआ है अंडर आफ्टर राजपुताना भी पड़ा हुआ है वहाँ पे बंगाल पे भी पड़ा है अवध पे भी पड़ा है बांगश पठान रोहिला पे भी पड़ा है मुगलों पर भी पड़ा है अभी पिछले जो चालीस साल का पॉलिटिक्स हमने जो मराठास का डिस्कस किया उसमें हमने देखा है कि मराठास ने किसी को नहीं छोड़ा है नॉर्थ में सबको लूटा हुआ है एंड सबसे चौथ का डिमांड जो मराठास ने करके रखा है एंड इन दैट कैपेसिटी नॉर्थ इंडिया के जो इवन हिंदू रूलर है दे वर ऑल्सो विशिंग कि कुछ तो बैटल फील्ड में हो जाए और मराठास हार जाए बिकॉज अगर मराठास हार गए तो ऑब्वियसली फिर हम लोग को चौथ नहीं देना पड़ेगा और ये चीज़ अब हम इलेबोरेट देख चुके हैं कि राजा के लिए धर्म से बड़ी अगर कोई चीज है तो हमेशा पैसा ही होता है एंड हुआ भी अल्टीमेटली वही

मुगल कोर्ट से बाजू में बैठे हुए थे मुगल कोर्ट के बाजू में बैठने के साथ साथ वन ऑफ ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंटिटी नॉर्थ इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया थे 1761 में 1764 में जो दो मेजर बैटल हुए बैटल ऑफ आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर दोनों में इनका इन्वॉल्वमेंट था पॉलिटिकल माइट और पोलिटिकल्पायर अनफॉर्चुनेटली मराठास के अवध के साथ रिलेशन काफी अच्छे थे एंड कैपेसिटी the आएंगे तो हमारे साइड में ही आएंगे अल्टीमेटली हुआ अपोजिट अवध जो है वो चला गया किसके कैंप में अहमद शाह अब्दाली के कैंप में जो ओवर रीजन दिया था मतलब जो बाहरी रीजन दिया हुआ था अहमद शाह ने वो वही था कि बेसिकली इस्लाम आर्मी को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट हिंदू आर्मी बट एक्चुअल रीजन हमको दिखाई देता है कि मराठास के ऊपर वजीर अह मराठास के ऊपर बेसिकली शुजाउद्दौला जो अपसेट था बिकॉज़ ही ऑलवेज वांटेड द थ्रोन ऑफ द वजीर इन द मुगलम पर हमने देखा भी था कि थ्रोन ऑफ वजीर जो है 1754 तक इनके पास था सफदर जंग के पास था एंड सफदर जंग के सक्सेसर थे Capacity, फिर ने ये वाले बैटल में, अब हम लोग को दिखाई देता है कि साइड लेनी चालू की अहमद शाह अब्दाली की अहमद शाह अब्दाली ही क्यों अहमद तो शाह अब्दाली के साइड लेने के पीछे जो सबसे सिग्निफिकेंट रीजन रहा है वो रीजन वही था कि उनको वजीर की पोजीशन अहमद शाह अब्दाली ने प्रोमिस करके रखी थी जो उनको देने के लिए रेडी नहीं थे बट is दिखाई देती है कि जो पानीपत के एरिया में October 1760 में 1760 आके बट ये पहले हम लोगों को थोड़ा सा मैप में ही समझना पड़ेगा कि वाई दिस पर्टिकुलर बैटल वॉज सो तो ड्रेडेड बैटल ये बैटल को बेसिकली स्ट्रेटेजिक ब्लंडर बोला जाता है एंड स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किसने करके रखा था दोनों ने करके रखा था सदाशिवराव भाऊ सदाशिवराव भाव के साथ साथ अहमद शाह अब्दाली एंड ये क्यों बिकॉज ये मैप में आपको अल्टीमेटली पता चलेगा अल्टीमेटली बैटल जो है ये दिल्ली के अराउंड वाले ही एरिया में हुई थी एंड दिल्ली के अराउंड वाला एरिया मतलब obviously, 1759 में सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली अल्टीमेटली दिल्ली में उतरा हुआ था एंड दिल्ली में उतरने के बाद फॉर अ ब्रीफ रीजन जो लोकल रीजन है उसमें हम लोग को दिखाई देता है

या फिर बेसिकली चीफ ऑफ द तो रोहिला का चीफ हुआ करता था एंड रोहिलखंड मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि रोहिलखंड का एरिया है उसका टाउन तो यहां लोकल ट्राइबल करने के लिए अल्टीमेटली नाजिब ने अहमद शाह अब्दाली को अपने फाइट में करके, तरफ लेके गया एंड मेरठ की तरफ लेके जाने के बाद अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है रही एंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी में अल्टीमेटली समय अराउंड जून में मराठाज आर्मी जो है आउट ऑफ नोवेर दिल्ली में पहुंच गई बट जून जुलाई का पीरियड जो है ये थोड़ा सा दिल्ली में गड़बड़ वाला पीरियड होता है ये मानसूनल विंड का पीरियड है एंड इसी पीरियड में अल्टीमेटली यमुना को फ्लड्स आने जो है चालू होते हैं एंड यमुना में जो फ्लड आने चालू हो गए जून जुलाई के अराउंड जैसे आपने अभी भी दो तीन महीने पहले देखा होगा अखबारों में कि यमुना को अचानक से आउट ऑफ नोवेर फ्लड आ गया था तो ये जून जुलाई के अराउंड जो फ्लड आने चालू होते हैं उसके वजह से वी कैन से कि दिल्ली के बीच में से जो यमुना रिवर आती है ये यमुना रिवर जो बेसिकली डिवाइड बन गया इन बिटवीन द सदाशिव राव भाऊ का आर्मी जो बेसिकली साउथ से सा आ रहा था अहमद शाह अब्दारी एंड इन दैट कैपेसिटी मराठास के लिए एक और प्रॉब्लम था एक और प्रॉब्लम क्या था कि नॉर्थ इंडिया में ये लोग आके पहुंच तो गए हुए हैं बट नॉर्थ इंडिया में पहुंचने के बाद भी रिसोर्स क्रंच इनके लिए अभी भी हो रहा है नॉर्थ इंडिया का कोई भी रूलर इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट सिख लोग जो है देर रेडी टू सपोर्ट बट मरा सिख का नहीं तो हेल्प नहीं पहुंच पाया दिखाई देता है अल्टीमेटली उन्होंने एक एरिया जो है वो टारगेट करके रखा था दैट इज कुछ हम लोग बेसिकली मराठा कैम्प जो है उसको थोड़ा सा नॉर्थ में लेके जाएंगे कुंजपुरा में एंड कुंजपुरा में जो लेके जाएंगे उसके वजह से होगा क्या तो इसके दो रीजन बेसिकली हमको दिखाई देते पहले तो देतेंजुरा जो है ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली बेसिकली जो रेड एरिया है अफगान का बेस था अहमद शाह अब्दाली जब बेसिकली 1759 में इंडिया पे इन्वेड किया था तो उसने जितना भी सोना लूटा हुआ था वो कुंजपुरा के फोर्ट में रखा हुआ था एंड कुंजापुरा में वो सेव करके अल्टीमेटली दिल्ली में उतरा एंड दिल्ली से अल्टीमेटली मेरठ की तरफ चला गया अल्टीमेटली अहमद शाह अब्दाली की ये जो न्यूज़ थी इंटरनल ये सदाशिवरा भाव को मिल गई एंड सदाशिरा भाव यही रिसोर्स को कैप्चर करने के लिए क्या बेसिकली कुंजापुरा में गया बट कुंजापुरा में जाने का एक और सिग्निफिकेंट रीजन ये भी हम लोग को दिखाई देता है कि कुंजापुरा में जाने का रीज़न था कि कुरुक्षेत्र की बैटल फील्ड कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में ये जो मराठास के साथ दो लाख लोग आए हुए है ये दो लाख लोग जो है बेसिकली इनको भेजना है बट यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोगों को और प्रॉब्लम दिखाई दी है कि इसी पर्टिकुलर पीरियड में बेसिकली दो इम्पोर्टेंट लोगों ने मराठा कैंप में सदाशिवराव भाव को यह बता के रखा था कि बैटल अगर होता है तो बैटल काफी सिग्निफिकेंट बैटल होगा इन दैट कैपेसिटी दिल्ली तक तो हम पहुंच गए बट दिल्ली में हम लोग जो वुमन लेके आए हैं एंड दिल्ली में जो हम लोग पिलग्रिम लेके आए हुए हैं ये रफली बेसिकली दो से दो लाख के बीच वाले लोग हैं तो इनको जो हम लोगों को दिल्ली से वापस भेज देना चाहिए कहाँ पे भेज देना चाहिए एटलीस्ट वी शॉल सेंड देम

काशीराज पंडित ने हमको ये बता के रखा है कि होलकर है जो significant military commander है, होलकर फैमिली इंडिया में सबको पता ही रहती है तो जो मल्हार राव होलकर है उनको बेसिकली उनको बेसिकली कास्टिस्ट गालियां जो है वो डाली ही है इसके वजह से मल्हार राव होलकर अपसेट हो गए थे कि ultimately है ऑब्वियसली इसके इन डिटेल में नहीं जाएंगे ऑप्शन में बहुत ही इन डिटेल जाके हम पढ़ते हैं इसको एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है सेम बेसिकली एस्पेक्ट जो हुआ सूरजमल के साथ सूरजमल जो है बेसिकली वॉज वन ऑफ द ओनली हिंदू किंग इन नॉर्थ इंडिया जो मराठास को सपोर्ट करने के लिए बैटल में आया हुआ था एंड यही सूरजमल के अगेंस्ट भी अल्टीमेटली सदाशिव भा ने जो है बेसिकली थोड़ा सा ब्राह्म्यिकल माइंड दिखाया एंड इससे अपसेट होकर अल्टीमेटली क्या हुआ तो बैटल फिल्म आपको इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि सूरजमल जो अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विद्रॉ

सदाशिव राव भाव अल्टीमेटली न्यू दिल्ली से या फिर दिल्ली से जाके बैठा है कुंजपुरा में एंड यहाँ पे मेरठ में बैठा हुआ है कौन तो अब्दाली अक्टूबर आते आते अल्टीमेटली अपने को दिखाई देगा कि अक्टूबर जो है बेसिकली जैसे अभी भी अक्टूबर ही चल रहा है तो बेसिकली दिल्ली वाले एरिया में जो बेसिकली ड्रॉट लाइक सिचुएशन बन जाती है तो पानी की किल्लत जो हो जाती है बिकॉज फिर अल्टीमेटली जो फ्लड आए थे फ्लड भी रिसीड होंगे एंड आफ्टर बारिश जो है वो भी अक्टूबर में नहीं होता थोड़ा ड्राई मंथ होता है एंड जैसे ही अल्टीमेटली रिवर जो है वो डिक्लाइन होनी चालू हो गई मेरठ से अल्टीमेटली अहमद शाह अब्दाली निकला पहले उसने दिल्ली कैप्चर की अल्टीमेटली खबर लग चुकी थी कि दिल्ली बिन तो दी अब्दाली तो गोइंग टू कुरुक्षेत्र मराठास भी अल्टीमेटली नीचे उतरे एंड फाइनली एक बैटल फील्ड दी ओल्ड बैटल फील्ड ऑफ इंडिया जिसके ऊपर टू ग्रेट वॉरफेयर पहले खेले जा चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये फर्स्ट एंड सेकंड बैटल बैटल वाले ही फील्ड में अल्टीमेटली फिर मराठास भी पहुंच गए अब दाली भी पहुंच गए बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बैटल में हमने पहले ही देखा हुआ था कि अभी के लिए आप इसको भगोड़े इसको भगोड़ेगिरी बोलो दैट स्ट्रेटेजिक रिट्रीट बोला जाता है हमने ये चीज शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड पर भी देखी थी बाजीराव के इन्वेजन्स में भी देखी थी कि अगर इन्वेजन सक्सेसफुल होता हुआ ना दिखे या फिर गड़बड़ दिखे उल्टे पाव निकलने समलदारी वाली बात है स्ट्रेटेजिक रिट्रीट आपको करनी आनी चाहिए अब ये लोग स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करेंगे कहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो बेसिकली इस तरीके से इस तरफ से बैठा है अगर उसको रिट्रीट करनी है तो उसको अफगानिस्तान जाना है तो ऑब्वियसली उसको मराठास को डैश दे ही अल्टीमेटली अफगानिस्तान निकलना था एंड सेम विद मराठास जो बेसिकली उल्टे पाव आ बैठे हुए है उनको अगर रिट्रीट करनी है उल्टे पाव भागना है तो इधर किधर नहीं भाग सकते आप इधर किधर भागोगे आपको अल्टीमेटली यहाँ वाले एरिया से ही नीचे आना पड़ेगा

कि मराठास को अगर रिट्रीट करनी है तो बेसिकली महाराष्ट्र की तरफ भागना पड़ेगा बट अब सामने क्या बैठी है अब्दाली की आर्मी बैठी हुई है एंड सिमिलरली अगर अब्दाली को भागना है तो उल्टा अफगानिस्तान की तरफ भागना पड़ेगा बट अब सामने कौन बैठा हुआ है तो अल्टीमेटली फिर आपके मराठास जो वो बैठे हुए है एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपन और ट्रांसपायर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैटल ये बैटल अल्टीमेटली हम लोग को वही दिखाई देता है कि बाई द टाइम पीरियड अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि अक्टूबर 1760 में

कि दिल्ली का अंडर आफ्टर मुल्तान का क्या होना चाहिए अल्टीमेटली दिल्ली पेशवास अगर अपने अंडर रखे तो उसको अब्दाली को कोई प्रॉब्लम नहीं था अब्दाली का वही कहना था कि भाई एटलीस्ट मेरे लिए पंजाब मुल्तान वाला एरिया छोड़ दो बात खत्म कर दो बट मराठा जड़ गए कि पंजाब मुल्तान वाले एरिया से भी उनको चौथ चाहिए होगी एंड दैट बिकम द ट्रिगरिंग पॉइंट फाइनली दोनों ने लोकल लेवल पे निगोशिएशन चैनल तो ओपन अप रखे बट निगोशिएशन चैनल के साथ साथ डिप्लोमेटिक चैनल भी ओपन अप करके रखे थे कि सप्लाई लाइन ओपन हो मराठास गए क्यों थे कुंजपुरा में बिकॉज खाने के लिए खाना नहीं था सप्लाई लाइन क्लोज हो चुके थे एंड अब ये और हो बिकॉज जो भी सप्लाई लाइन ओपन अप होनी थी वो दिल्ली से ही आने वाली थी वहां पे अब रास्ते में अब खड़ा है तो मराठा कैंप में कुछ जाएगा ही नहीं तो लोकल लेवल पे सप्लाई लाइन बेसिकली निकालने के चक्कर में ही ऑलमोस्ट हमको दिखाई देता है कि अक्टूबर 1760 से जनवरी 1761 तक ऑलमोस्ट 7000 की कैजुअल्टीज लोकल लेवल पे हुई सेवन थाउजेंड की कैजुअलिटी बैटल ऑफ बक्सर के वॉरफेयर में हुई थी इतनी कैजुअलिटी यहाँ पे वॉरफेयर चालू भी नहीं हुआ है चालू होने के पहले ही ये पर्टिकुलर चक्कर में फाइनली मराठा कैम्प जो है वो पहले से ही सफर कर रहा था एंड यही रिसोर्स बेसिकली बाय द टाइम पीरियड ऑफ डिसम्बर पूरा का पूरा बाहर आ गया था मराठा कैंप में खाना नहीं था बाई द टाइम पीरियड ऑफ अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है ट्वेल्थ जनवरी मराठा कैंप में खाना बिल्कुल भी नहीं बचा है बचाथ जनवरी एंड जनवरी मराठा आर्मी जो है अल्टीमेटली अपने लाए हुए कैमल थे या फिर आपने लाए हुए जो हॉर्सेस थे इन्हीं को अल्टीमेटली काट के खाना चालू कर दी थी ऑलमोस्ट तो दो दिन के लिए मराठा आर्मी वीकेंड से हंगर से सफर कर रही थी या फिर हंगरी थी एंड इसी बीच में अल्टीमेटली फिर सदाशिवराव भाव के ऊपर वो प्रेशर बढ़ा

कि थोड़ा सा इलेबोरेटली समझाऊंगा जिसमें सेकेंड बैटल ऑफ तराई वो हमने इलेबोरेटली देखे थे कि कैलकोल टेक्निक कैसे इस्तेमाल हुई थी एंड लोकल लेवल पे स्ट्रैटेजी कैसे बनाई थी आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको समझाया था तुलघुम समझाया था एंड टाबर चंगी फॉर्मेशन दैट इज कैम्प फॉर्मेशन वो भी समझाया था एंड एंडर आफ्टर एक ये वाला बैटल भी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना जरूरी है तो इसको हम लोग बेसिकली फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जो मोस्ट प्रोबली कल ही आ जाएगा तो आज के लिए थोड़ा सा रोकेंगे बट अगेन जाने से पहले जो है Uh, uh, this is की जो नया बैच्रीलोस्ट चार पांच लेक्चर तो ले चुका हूँ we'll जो, जो मेरा खुद का मटेरियल है वो मिलेगा तीन टाइप का मटेरियल प्रोवाइडिंग यू मटेरियल आफ्टर फिर ये जो है, एंड इसके साथ साथ अल्टीमेटली आपको इसमें जो टेस्ट सीरीज जो वो भी इंक्लूडेड है वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज डेवलप योर प्राइमरी स्किल एज वेल एज से एडमिशन ऑन फिफ्थ ऑफ अक्टूबर सो इफ यू आर प्रिंगी ट्वेंटी फोर दिस इज प्रोबली चांस इसके बाद मुझे नहीं लगता की आई विल्च एनी बैच फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए अगर आपका टारगेट है तो अभी भी टाइम नहीं गया वी स्टिल हैवंबर सेल विस्ट ऑफ थिंग दिस इज टू यू नाउ कि बेसिकली वेदर यू आर प्रिपेरिंग फॉर ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव एंड आई लिव दिस पर्टिकुलर चॉइस अपॉन यू बट डू जॉइन द बैच गाइज इफ यू आर प्रेरिंग फॉर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर आई है थ्री हंड्रेड प्लस मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शन आई कैन गाइड यू वेल इन दट डायरेक्शन तो दैट विल बीट आज के लिए दोस्तों आज के लिए फिर यहाँ पे आई विल बी स्टॉपिंग तो थोड़ा सा इसको फिर और आगे बढ़ाएंगे दैट इज बैटल ऑफ पानीपत एंड एंडर आफ्टर एंग्लो मराठा टुमोर आफ्टर डे आफ्टर टुमारो चल थैंक यू सो मच बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ थैंक यू स्टडी आई क्यू आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल